हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी फेसबुक में ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है ऐप नोट सेटअप दिस ऐप इज़ इन स्टिल डेवलपमेंट मोड, तो इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है और आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी डिवाइस की सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है, कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन होगा, वाईफाई मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ को इनको रीसेट कर दीजिएगा। इनको रीसेट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है सेटिंग में, फिर से सेटिंग में स्क्रॉल डाउन करने पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको मैनेज ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। मैनेज ऐप्स में आने के बाद हमें क्या करना है, राइट साइड टॉप पे थ्री डॉट्स दिखेंगे, इन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर लिखा होगा रिसेट ऐप प्रिफ्रेंसेस का, तो इन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने ऐप को रिसेट कर दीजिएगा। रिसेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जिस भी ऐप में प्रॉब्लम आ रही थी उसको सिंपली हमें क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है। एग्जांपल के लिए मैं कोई और ऐप ओपन कर लेता हूँ, तो आपको जिस ऐप में प्रॉब्लम आ रही है आपको वो ऐप को ओपन कर लेना है। उस ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले उसकी स्टोरेज पे आना है। स्टोरेज पे आने के बाद स्टोरेज का क्लियर कैच कर देना है। स्टोरेज का क्लियर कैच करने के बाद हमें क्या करना है, उसकी ऐप परमिशन पे जाना है। तो ऐप परमिशन पर आने के बाद सारी परमिशन वन बाय वन इनेबल कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन डिनाई नहीं करनी है। सारी परमिशन इनेबल करने के बाद हमें जाना है अदर परमिशन पे। अदर परमिशन पे आने के बाद यहाँ भी सारी परमिशन सेम टू सेम वन बाय वन इनेबल कर देनी है। ये सब करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे एक ऑप्शन देखेगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का, तो आप पे जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा वाईफाई और मोबाइल डाटा, तो इन दोनों को इनेबल कर दीजिएगा। इन दोनों को इनेबल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर डिफॉल्ट, इस पर क्लिक करना है और साथ में अपने ऐप को एक बार फोर्स्ट ऑफ कर दीजिएगा। फोर्स्ट ऑफ करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिएगा और रिस्टार्ट करने के बाद एक बार ट्राई कीजिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज़।